तो हेलो गाइस, आप सबको पहले तो गुड मॉर्निंग। और आज कवि जी बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर, बाकी देखते हैं और कहीं का प्रोग्राम बनता जाने का ना। तो गाइस ये डे टू है हमारा और आप ये वाला व्लॉग पूरा एंड तक देखना और आपको सारे दर्शन करवाएंगे जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं। सो फाइनली गाइस, हम रेडी होके अपने रूम से निकल पड़े हैं माता वैष्णो देवी मंदिर। और गाइस इस टाइम का व्यू देख लो कितना बढ़िया, और आपको सामने ही दिखाई दे रहेगा माता वैष्णो देवी का मंदिर, उनकी मूर्ति। बिकॉज़ ये आपको इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो इसकी ऊंचाई है वो 141 फीट है, बहुत ही बड़ी मूर्ति है और बहुत दूर से ही आपको मूर्ति दिखाई देगी। बहुत ही बढ़िया मंदिर बना हुआ है। अब अंदर जाके आप देखते हैं, आप भी हमारे साथ चलो। तो गाइस हमने कुछ यहाँ पे फ्रूट वगैरह लिए थे जो कि हम बच्चों को दे रहे हैं, छोटे बच्चों को दे रहे हैं। और अब चलते हैं अंदर, एक बार ये हम सब बांट दें। तो गाइस हम फाइनली मंदिर के अंदर आ चुके हैं और बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ पे, बस आनंद आ रहा है, क्या ही बताऊँ। और अंदर चलते हैं उसको। बोलो बंके बिहारी लाल की जय, बोलो वैष्णो माता की जय, बोलो जय कर शेरावली माता का, चलो आज हम वैष्णो माता के मंदिर चलते हैं। चलो आज हम वैष्णो माता के मंदिर चलते हैं। देख लो इस मूर्ति की ऊंचाई 141 फीट है, और क्या इसके अंदर कलाकारी करी है, मज़ा आ गया देख के। तो गाइस अब चलते हैं हम मंदिर के अंदर और अंदर जाके दर्शन करवाते हैं आपको, आप व्लॉग में जरूर बने रहो। तो गाइस यहाँ पर डेकोरेशन देख लो, वो भी बहुत बढ़िया है यार, मज़ा ही आ गया। गाइस दिल करता है बस वृंदावन ही रहो, जाओ गाइस सामने दर्शन कर लो। इस मंदिर तो बहुत बड़ा बना हुआ है और यहाँ की जो मतलब देख लो सफाई कितनी है इस मंदिर में। और ये अभी हम कर रहे हैं परिक्रमा और ऐसे हमने पूरा गोल घूमना है, उसके बाद आपको फिर आगे जाके दिखाऊंगा मैं दोबारा। और भाई अंदर लाइटिंग करी हुई है देखो, हर एक उसमें अलग अलग लाइटिंग है, किसी में येलो है, किसी में ब्लू, किसी में रेड, वो बहुत ही मतलब बढ़िया लग रही है, क्या ही बताऊँ। तो गाइस ऐसी हमें पूरी परिक्रमा करनी है, गोल घूमना है। और यहाँ की सफाई देख लो, सफाई कितनी है यहाँ पे, एक मतलब एक भी आपको कुछ भी गिरा हुआ नहीं मिलेगा। ये है मंदिर की यहाँ सफाई, क्या बात है। तो गाइस देख लो, अभी ये देखो यहाँ पे गोल डेकोरेशन करी हुई है, लोग अपना पूरा मस्त हुए हैं, नाच रहे हैं, कोई गा रहा है, पूरा मस्त। तो गाइस हमने अंदर दर्शन कर लिए, अब हम यहाँ पे आए हैं भूमि पूजन में, और यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया तस्वीरों को हाथ लगाएं। तो गाइस यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि ये मंदिर कैसे बना, और यहाँ पे लिखा हुआ देखो डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे देखो ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे हर एक तस्वीर है वैष्णो देवी की मूर्ति कैसे बनी, जो हनुमान जी की मूर्ति है वो कैसे बनी, ये सारा दिखाया हुआ है इसके अंदर, जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है। तो वैसे ऐसे ही पूरा आगे तक आपको आगे भी दिखाता हूँ मैं सारा, देख लो कितनी मेहनत से मंदिर बना है। और गाइस मंदिर तो बहुत बढ़िया बना है, जो जो यहाँ इस जो यहाँ पे मतलब इस मंदिर में पहले आया हुआ है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और माता वैष्णो देवी ज़रूर लिखना, जय माता दी लिखना कमेंट में। सो वैसे देख लो माँ वैष्णो देवी आश्रम, और यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ माता वैष्णो देवी ऑफ गुफा, ये गुफा कैसा है गाइस, जो तो पहले वाला था वो माता वैष्णो देवी का था कि वो कैसे बना, और ये गुफा का। उसके बाद गाइस आगे ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ माँ वैष्णो देवी मंदिर, इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन दिखाई हुई है। उसके बाद लैंडस्केप्स एट माता वैष्णो देवी,
गाइस बहुत मेहनत लगी इस मंदिर को बनाने में और ये आश्रम का दिखाया हुआ है। तो गाइस ये माता जी की मूर्ति है, अब चलते हैं बाहर। और ये गुफा की एंट्री है जो आपको मैंने वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन दिखाई थी वो इस पहले जो पहले थी वो माता वैष्णो देवी की थी, जो उसके बाद दिखाई थी वो गुफा की थी। इस गुफा की है वो सामने लिखा है जय माता दी। तो गाइस चलते हैं गुफा में। तो हम गुफा में आ गए हैं और यहाँ की जो लाइटिंग है वो भी देख लो कितनी बढ़िया है। और सामने गणेश जी की मूर्ति है। सो गाइस कुछ कुछ दूरी पर यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो वहाँ पे हमने सारी जगह मत्था टेक लिया और होप करता हूँ कि आपने भी मत्था टेका होगा, दर्शन करे होंगे। सो गाइस हम जा रहे हैं गुफा के बाहर। तो ये गाइस लिखा हुआ है वे टू परिक्रमा और यहाँ पे परिक्रमा करके और आपका मौसम देख लो कितना बढ़िया हो चुका है। इतनी धूप नहीं है, मतलब नॉर्मल बढ़िया सा मौसम है, वेदर बहुत बढ़िया है। तो वह सामने भी कुछ काम चल रहा है यहाँ पे। ये गाइस बैक साइड है मूर्ति की, देख लो 141 फीट ऊंची मूर्ति है। सो हमने सबने परिक्रमा कर ली और ये फ्रंट साइड है मूर्ति की और अब यहाँ पे जाना हमने वे टू गो आउट ऑफ गुफा। सो गाइस जो पहली गुफा थी वहाँ से अंदर आने का रास्ता था और यहाँ से हम बाहर जाएंगे। तो इस गुफा में भी देख लो कितनी बढ़िया बढ़िया मूर्ति हैं कुछ कुछ दूरी पर, जैसे उस गुफा में थी वैसे यहाँ पे लाइटिंग है, बहुत बढ़िया गुफा ये भी। ये बाहर जाने की है, वो अंदर आने की जो पहले बड़ी दिखाई थी। सो गाइस यहाँ से बाहर चलते हैं, आप दर्शन करिए साथ साथ। तो हम सब ने तो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लिए, होप करता हूँ कि आपने भी करे होंगे। तो अब हम जा रहे हैं, हम ऑटो में बैठे हुए हैं, अब जा रहे हैं हम इस्कॉन मंदिर। तो इस्कॉन मंदिर जाके आपको मिलते हैं। सो फाइनली हम इस्कॉन टेंपल पहुँच चुके हैं और इस मंदिर को अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है। करे जाला माला गाला रे से बाना माला करे Thank you.
फाइनली गाइस हम इस्कॉन मंदिर से आ चुके हैं। अब हम अपने होटल में आ गए हैं, हम खाना खाएंगे, फिर हम आइसक्रीम खाने जाएंगे, उसके बाद हम रेस्ट करेंगे, फिर हम कल बताएंगे आपको न्यू ब्लॉग के साथ मिलेंगे भी कहाँ जाएंगे हम, मजे करेंगे खूब। ओके बाय। तो बस आप साथ कंटिन्यू रहना ब्लॉग के साथ और दर्शन करते रहो साथ साथ जहाँ हम जा रहे हैं। बाय। सो गाइस अब जा रहे हैं अपनी धर्मशाला में, फिर कुछ खाएंगे आइसक्रीम खा के, फिर हम करेंगे रेस्ट।